रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ईडी की ओर से क्रूरता दिखाई जा रही है, उन्होंने कहा है। रमन सिंह राजेश मूणत ईडी के प्रवक्ता हैं, ये भी आरोप लगाया, निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अफसरों नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप भी उन्होंने लगाया। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, हमारे पास कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये कहा। ईडी को छापेमारी में कुछ भी नहीं मिला, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो ईडी द्वारा कुप्रचित डायरी एंट्री के आधार पर लोगों को प्रताड़ित करने, झूठे प्रकरण, झूठे बयान दिलाकर अधिकारियों को, नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है।